हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, माइक्रोमैक्स ने अपना 2020 में जो है कमबैक करा था अपने इन स्मार्टफोन के साथ में, इन नोट वन इन वन भी काफी जबरदस्त यहां पर इंडियन मार्केट्स में अभी सेल हो रहे हैं। अब उसमें एक और एक मेंबर जुड़ने वाला है जिसका नाम रहने वाला है माइक्रोमैक्स इन वन, जो कि ये दोनों का भाई रहने वाला है। इन नोट वन का छोटा भाई कह सकते हो, इन वन भी का बड़ा भाई रहने वाला है। तो यहां पर इसका ऑफिशियल जो सारी चीजें वो निकल के आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पे जा चुका है एंड पूरे स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, एज वेल एज प्राइस पॉइंट भी यहां पर बाहर आ चुका है। सारी चीजें बताने वालों, काफी इंटरेस्टिंग सा यहां पर ये स्मार्टफोन रहने वाला है। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो 19 मार्च को यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पे जा चुका है, यहाँ पर आप फर्स्ट लुक वगैरह रिवील्ड हो चुका है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन के पूरे स्पेक्स बता देता हूँ, जो के पूरे 100% स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लीक हो चुके हैं। बिलो डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलेगा, इन नोट वन जैसे ही डिजाइन देखने को मिलता है। थोड़ा कलर वगैरह यहाँ पर चेंज करा गया है, वही अगेन आपको पॉलीकार्बोनेट वाला बैक देखने को मिलेगा ग्लॉसी पैनल के साथ में। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले भी यहां पर सिमिलर है, यहां पर भी आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, 60 हर्ट्ज पर रहने वाला है, आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। ये प्राइस पॉइंट पे फुल एचडी डिस्प्ले मिलना काफी बढ़िया बात है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में बताया जा रहा है यहां पर ये दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, 464 बेस वेरिएंट रहेगा, 628 उसके ऊपर वाला वेरिएंट रहेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, एएमएमसी का आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। बात करें यहां पर ये स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी 10,000 रुपए की रेंज में काफी बार इस्तेमाल कर चुके हैं, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो 10,000 रुपए की रेंज में, एंड गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से आपकी वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो होने वाली है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया एज कंपेयर टू इन नोट वन से, क्योंकि यहां पर आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है अगेन 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिलने वाला है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे को यहां पर निकाल दिया गया है, साथ ही में सेल्फी कैमरा यहां पर बताया जा रहा है 8 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। हां, तो कैमरास में इन नोट 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सी बाकी के सेंसर्स वगैरह में थोड़ा डाउनग्रेड करा गया है। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स बताया जा रहा है एंड्रॉइड 11 आने वाला है और क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड लाइक आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अपडेट्स वगैरह में भी ये स्मार्टफोन पे भी आपको 2 साल तक के देखने को मिल सकते हैं, एड्स वगैरह आपको बिल्कुल भी ये स्मार्टफोन पे देखने को नहीं मिलेगा। बात करें यहां पर ये स्मार्टफोन के सेंसर्स के बारे में, तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी ये स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा पैकेज आपको माइक्रोमैक्स के अभी अपकमिंग इन वन स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है जो बेस वेरिएंट है 464 वाला, इंडिया में 8999 या 9499, मतलब 9000 रुपए या 9500 रुपए के आसपास जो है देखने को प्राइस पॉइंट मिल सकती है। तो वो प्राइस पॉइंट पर अगर यहां पर ये सारे स्पेसिफिकेशन आते हैं तो डेफिनेटली मैं यहां पर काफी इंप्रेस हूं माइक्रोमैक्स से, क्योंकि फुल एचडी डिस्प्ले भी मिलेगा, हीलियो G80 का प्रोसेसर भी है, कैमरास भी जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, स्टॉक एंड्रॉइड है, एड्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही डिवाइस आप इसे कह सकते हो। तो जिन लोगों का भी इन नोट वन जितना बजट नहीं है, अभी फिलहाल 11,500 रुपए का हो चुका है, उतना पे नहीं करना है, 9,500 रुपए का बजट है और सारी चीजें चाहिए, तो वो लोग डेफिनेटली यहां पर ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। वैसे जब आएगा, इंटरेस्टिंग पैकेज रहेगा, तो डेफिनेटली और भी सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो माइक्रोमैक्स इन वन को लेके। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये स्मार्टफोन 9,000 रुपए में आता है तो एज एन इंडियन ब्रांड आपको यहां पर ये कैसा लग रहा है एंड ओवरऑल मार्केट में क्या आपको लगता है, ये कंपीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है माइक्रोमैक्स इन वन को लेके मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।